हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग पे। आज मासी जी निरनी काट कर लाई है और अब हम इसे मशीन से काटेंगे। और यहाँ पर आनंद मशीन से काट रहा है। आनंद के बाद मेरी बारी आई। आज आंधी भी बहुत चल रही है तो बहुत मुश्किल से कट रही है ये। मोटर से भी चला सकते हैं हम, लेकिन लाइट नहीं है। गाइस, हमने ये काट दिए। अब आप हमारी हालत देख सकते हैं, गौर से कैसी होती है। और अब हम निरनी लेकर घर जा रहे हैं। वो तो कही है। घर बहुत दूर है इसलिए आधी दूर मैंने चखा और फिर आनंद को दे दिया। आनंद अब घर पर लेकर आ गए। और ये हमारे गाय का छोटा सा बछड़ा। और अब मैं गाय को नीर रहा हूँ। इन्हीं करना एक और बिना बिंग पड़ी है। अगर अरे बिंग पड़ी है दो किलो ये ला जाए 25 किलो। आज रक्षाबंधन, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी ये प्यार प्रेम से मनाइए त्यौहार। ये बहुत बड़ा भाइयों बहनों के लिए त्यौहार आता है। थैंक यू, धन्यवाद।
दोस्तों अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, राखी हमने बंधवा ली है दीदी से। हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारे। गुरुद्वारे के अंदर जाने से पहले यहाँ पर पैर धोए जाते हैं और सिर पर कोई कपड़ा होना आवश्यक है। दोस्तों हमने यहाँ पे धोख तो लगा ली है और अब हम जा रहे हैं तालाब की तरफ। यहाँ पर यह मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यह देखो दोस्तों। अब हम जा रहे हैं वापिस। आपने पानी का भी देख लिया होगा, यहाँ पर मछली भी है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन हम दिखा नहीं पाए क्योंकि वो हमें देख कर यहाँ से भाग गई थी। सरदार जी के लिए यहाँ पर बहुत ही सुविधाएँ होती है और ये यहाँ पर सरदार जी सत्संग करने के लिए ही हवन बनवाए हैं। यहाँ पर सरदार जी सत्संग करेंगे। यह पूरा 100 या 150 फुट होगा, इसके ऊपर सोने की लगाई हुई है। आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक शेयर कमेंट भी करें। धन्यवाद, बाय।